हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली पूरे परिवार के लिए। आप सब खुश रहें, स्वच्छ स्वस्थ रहें अपने घर में, और अच्छे से होली मनाएं, खूब भुजिया खाएं आप सब भी। और किसने कैसे कैसे होली मनाई प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताना। और अभी सुबह का टाइम ही हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा सूट दिखाऊंगी आज हमारे घर में कैसे होली मनाई जाती है, कैसे पूजा की जाती है। तो आप लोग सब मेरे साथ भी, मैं बार बार इसलिए देखती हूँ ना उधर गेट की तरफ को, थोड़ा सा है ना ध्यान बट जाता है, बच्चे हैं वो सब खेल रहे हैं। तो आप सब लोगों के यहाँ कैसे होली मनाई जाती है, कैसे पूजा होती है, तो मुझे सुबह मतलब कमेंट करके बताना। यहाँ मैं हाथ लगा लेती हूँ, आप लोगों को पता है मेरा हाथ ना दर्द होने लगता है इतने टाइम में ही। ट्राइपॉड पर लगाती हूँ तो वो पता नहीं कैसे सूट करने मुझे, इसलिए अच्छा है कि हाथ में लेकर के सूट कर रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ कैसे होली आज के दिन मनाई जाती है, पूजा कैसे होती है बताना, मैं भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। सुबह का ही टाइम हो रहा है ये, और मुझे जाना भी है आज जाऊंगी मैं कहीं, और तैयार होंगी अभी तो 12 बजे निकलना है, कल वापस आएंगे गाँव, तो उसके टाइम पर ही सब लोगों को मैं सूट करके दिखाऊंगी। वहां का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सबको बहुत अच्छा होने वाला है आप सबके लिए, और यूजफुल वीडियो है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कवरी पे भी वहां से शूट करी गई हैं। तो वहां ही मैं जाऊंगी, या कहाँ जाऊंगी वो तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखोगे ना, इसलिए आप सबके लिए सस्पेंस है, सस्पेंस रखूंगी मैं। तो मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर में, और बीच बीच में वैसे भी मिलती रहूंगी मैं आपको। और सुबह का काम खत्म कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह अभी तो हमारी खाली चाय वगैरह ही हुई है, थोड़ा बहुत काम किया है जो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ, पूरा ही दिखाऊंगी सारा ही जो मेरा रहेगा। तो प्लीज मेरा वीडियो पसंद करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहना आप लोगों का कैसा मेरा वीडियो लग रहा है। तो मिलती हूँ आपको कुछ टाइम के बाद में। यहाँ देख रहे हैं मम्मी हमारी चौक पूर रही है आटे से। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो शुभ काम होता है इसी तरीके से होता है, और होली रख रही है। और आज मैं होली में बताऊंगी आपको आगे भी, मतलब सॉरी वीडियो में, कि मैं अपने मायके में ही सारे त्योहार क्यों मनाती हूँ, क्यों ससुराल नहीं जाती, क्या बात है मेरी नहीं, क्योंकि आज तक मैंने आप लोगों को कभी भी ससुराल का कोई वीडियो या ससुराल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन आज मैं बताऊंगी अपने ससुराल की सच्चाई, तो प्लीज मेरा वीडियो आगे जरूर देखना। और यहाँ पे मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही थी, प्रवित को लेके आई हूँ, और यही था कि मम्मी अकेली लग रही है, चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ। और गन्नू भी बैठा हुआ है साइड में, और ये घर के बाहर ही हमारे, और यहाँ पे आप लोग माइंड मत करना प्लीज, यीशु की उंगली ना आ गई है कैमरे के सामने। और ये मेरा भाई छोटे वाला है जो बाइक पे लेकर के आया है, ये जौ की बाल, जो गेहूं के जैसे जौ होते हैं, जौ की बाल से हमारे यहाँ पूजी जाती है होली। और रात को जब होलिका दहन होता है उस टाइम पे भी बालें रखी जाती हैं, भूनी जाती हैं, और आप सब में घर में परिवार में बांटी जाती हैं। और मैं यहाँ गिन करके उन्हीं को रख रही थी, सबको कितनी कितनी बालें चल लगेंगी, क्योंकि 5-5 बालें मतलब रखती हैं मम्मी ने बताया था हमें, मम्मी की हेल्प कर रही थी। और यहाँ देख रहे हैं आप थोड़ा सा, एक्चुअली मैं इसलिए ऐसे कूद करके ना, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है तो बैठने में थोड़ा दर्द सा हो जाता है, मम्मी बोल रही थी फटरी ले ले, लेकिन थोड़ा सा ही काम था, मैं चलो ऐसे ही करा देती हूँ मैं। और बचपन से ही मैं ही रखती थी हमेशा होली, और बनाती भी थी ये सारी, मेरे यहाँ तो ब्रकली ही मतलब इन्हें बोलते हैं, माला वगैरह सब पूरा, लेकिन अभी मम्मी ही करती हैं सारी। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी थोड़ी सी ही बनाई है, छोटी सी ही होली बनी है हमारी, लेकिन अब बन के हमारी होली हो गई है तैयार। और उसके बाद में ये शाम को पूजी, दोपहर में सॉरी पूजी जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं ये गीता यहाँ पे होली पूज रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना गांव में जो होली बड़ी रखी जाती है उसको भी पूजते हैं, तो गीता पहले वहाँ मम्मी पूज के आ चुकी थी, वहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाई आपको। और यहाँ गन्नू चप्पल इधर से उधर लेके सेट करने में लगा हुआ है, और गीता यहाँ होली पूज रही है, उसके बाद मम्मी पूजेंगी। लेकिन मैंने होली नहीं पूजी, मैं होली का व्रत नहीं रखती हूँ, क्यों नहीं रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने होली का व्रत छोड़ दिया, वो नहीं रखती हूँ मैं। और उसके बाद में यहाँ पे मेरी मम्मी होली पूज रही हैं, क्योंकि होता है सबके यहाँ ना रीति रिवाज थोड़ी अलग अलग होती हैं, कि पहले गांव की होली है जो उसको पूज के उसके बाद में जो हमारी ये घर की होली होती है उसको हम पूजते हैं। तो वहाँ पे पूजने के बाद मम्मी गीता दोनों ये भी पूजेंगी। और जो होता है ना सबके यहाँ पर सीधा वगैरह अलग अलग होता है, पूजने का भी तरीका अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ पर भी वही है। सब कुछ निकालने के बाद मम्मी पंडित जी के यहाँ पे हमारे यहाँ जाता है, उनको वहाँ दे करके आ जाएंगी। दरवाजे के सामने जो सतिये वगैरह होते हैं वही सब सतिये वगैरह निकालेंगी हल्दी से। तो इसी तरीके से ही सब मतलब होली पूजते हैं। लेकिन गन्नू भी तैयार हो रहा है, तो आप लोगों को मैंने बताया ही था होली वगैरह पूज के हम लोग गीता के गांव गए थे यहाँ पर, तो गीता भी अपना कुछ कुछ लगी हुई है, भूल जाते हैं। गन्नू भी यहाँ जय कर रहा था, मम्मी ने बोला था इसको। और ये है हमारे शाम का वीडियो,
रात का, सॉरी, जो गांव की बड़ी होली थी वही होलिका दहन जो होता है वही है यहाँ पे। तो ये गांव के मेंबर हैं सब, होली वो कर रहे हैं और डंडे वगैरह आप देख रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ से ही होली की जो आग लेकर के और हमारे घर में जो होली रखी हुई थी उसको लगाएंगे, उस वाली होली में अपने आप नहीं लगाते हैं। और वहां से लेने लेकर के आया था छोटा वाला भाई, और आकर के उसने यहाँ होली में लगा दी थी जो हमारी घर वाली थी। और ये वो होली अच्छे से वो हो गई थी हमारी, मतलब जली थी, लेकिन एक्चुअली गाड़ी आई थी तो थोड़ी सी हमारी साइड से खराब भी हो गई। मम्मी ने वो सेट करी है, उसको गाड़ी वाले को पता नहीं चल पाया था होली का। और यहाँ हमारी होलिका मैया में आग लग गई है खूब अच्छे से। हम आप सब ने भी आई होप कि अच्छे से ही होली मनाई होगी। आप सब भी और हम सब भी दुआ करते हैं सारी बुराइयां खत्म हो जाएं, अच्छाइयां आए, होलिका मैया सबका अच्छा अच्छा भला अच्छा करे, मतलब सब आगे जाएं, अपना कामयाब हों, सुरक्षित सुरक्षित रहें अपने घर में। मैं भी यही सब दुआ करती हूँ और आप भी सब यही दुआ कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये मम्मी ने बालें सब भून दी हैं, उसके बाद हम सब परिवार वालों को बाल दाने बांटे जाएंगे। और ये वीडियो है मेरा 10 मार्च का, यानी कि रंग वाले दिन का, धुनेड़ी वाले दिन का। गीता के घर से हम वापस आ चुके थे और यहाँ मैं दही बड़े बना रही हूँ। देख रहे होंगे हमारे किचन एकदम फैली पड़ी है, क्योंकि मम्मी थी घर पे तो वो सब नहीं हो पाया। और वहाँ से आने के बाद मैं पहले यही था कि दही बड़े मैं बना देती हूँ। दाल मम्मी ने भिगो के रखी हुई थी, मैं मूंग की दाल के दही बड़े बनाती हूँ। बहुत लोग उड़द की दाल के बनाते हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल के ही बनाती हूँ। थोड़ी सी उसमें एक मुट्ठी मसूर की जो लाल वाली दाल होती है वो भी भिगो देती हूँ। लेकिन यहाँ मम्मी इनको पता नहीं था, मम्मी ने नहीं भिगोई थी, मैं कोई बात नहीं है। तो यह मूंग की दाल मैंने पीस के बहुत अच्छे से फेंटी थी। थोड़ी सी मैं इसमें हींग भी डालती हूँ, क्योंकि हींग भी हमारे अच्छा पेट के लिए अच्छी होती है। और उसके बाद में मैं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कितने बड़े, लेकिन यहाँ मैं छोटे छोटे ही थोड़े, क्योंकि ये फूलने के बाद में थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। और चम्मच से मैं इस तरीके से सारे दही बड़े बना लूंगी। उधर गीता खाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे, हम लोग यहाँ पहुंचे थे। घर आके कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर आप सब लोगों को पता ही है कि होली वाले सब लोग आ जाते हैं खेलने के लिए। और हमारे तो खोटा त्योहार था, मतलब मेरी दादी जी खत्म हो गई थी मई में, उन्हीं का, इसी वजह से हम लोग सब इकट्ठे थे वहां पर। और सब लोग फिर जल्दी आएंगे, क्योंकि जिनके घर में इस तरीके से कुछ होता है ना, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो पहले उनके घर ही मतलब जाते हैं। तो मेरी दादी जी नहीं रही इस बार, तो हमारे घर ही सब लोग आएंगे पहले। तो फिर यही था जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर की कर रहे थे, मैं यहाँ पे ये लगी हुई हूँ, गीता खाने की तैयारियां कर रही है। ये मिर्ची होती है ना बेसन वाली, वही फ्राई कर रही थी गीता, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग ये सब होता है। और उस दिन तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, पकौड़ी वगैरह, कचौरी और ये सॉरी पापड़ वगैरह जो सब। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा बेसन हमारा पतला हो गया था, तो इसलिए थोड़ा बेसन छूट भी रहा है। लेकिन ये मिर्ची जो फ्राई होती है बहुत टेस्टी लगती है, बेसन में वही सब मसाला डाला हुआ था, हल्दी नमक मिर्ची वगैरह सब। और ये देख रहे होंगे बेसन ना एक्चुअली घर का था, तो वो घर का बेसन जो होता है मम्मी ने सब वो करके रखा हुआ था, अच्छा होता है, चने से बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम सब ने यही मतलब 2 घंटे मुझे और गीता को लगे थे सारे खाने पीने की सब तैयारियां, लेकिन फिर भी हमारी हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे ये होलियाँ सब जो गांव की औरतें होती हैं लेडीज मनाने आती हैं। सामने ये मेरी बुआ जी खड़ी हैं और एक चेयर पर बैठी हुई हैं, दोनों बुआ आई हुई थी। और यहाँ गन्नू भी मस्ती कर रहा है, ये है मेरे ताऊ जी हैं, उनके घर का है, क्योंकि सब लोग वहीं पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि मेरी दादी जी की डेथ मतलब वहीं पर हुई थी, तो सब एक साथ में होली वहीं मनाते हैं। तो भाभी वगैरह सब लोग आए हुए थे, यहाँ पे मेरे ताऊ जी भी बैठे हैं, पिताजी बोलते हैं, तो वही सब गुलाल वगैरह सब लगा रहे हैं एक दूसरे के। तो हम ईशु ने छत से सूट कर लिया था यहाँ पर ये देखो मेरी और ईशु की हालत कैसी हो रही है, क्योंकि भाभी थी तो सब ने गुलाल वगैरह सब लगाया हुआ था एक दूसरे के। और होती है, आप लोग समझ सकते हो कि भाभी ननद की, देवर भाभी की तो होली एकदम मस्त वाली होती है। अरे अभी तो आगे देखना, हमारी होली तो बहुत होने वाली है। गीता होली खेल रही है, गीता को भी खूब शौक चढ़ रहा था। यहाँ पे मेरे पड़ोस की जो लड़कियां वही सब थी, जो ननद लगती है सब गीता, और ये एक्चुअली मैं तो घेर में थी, ये सब लोग होली खेलने में गीता के साथ में लगे हुए हैं। देखो मस्ती हो रही है पूरी, बहुत मस्ती हुई थी घर में, सब लोगों ने जमकर होली खेली है एक दूसरे के चेहरे पे लगा। ले आओ ले आओ।
अरे मेरा तो बेटा सही है सब। अरे तो मम्मी के लिए रो रहा था कुछ हवा है ना। अंशु गन्नू चलो वीडियो डालेंगे वीडियो। हेलो फ्रेंड्स वाली चलो। मैं तो बाबू भूल गया भाई, कपड़े हटा लें दो इनके। वो तो ऐसी भागी करे हर साल। हाँ किसके घर है ये, घर किसका है ये? इधर से अच्छा सा है, मगर खा लेंगे बस। तो यहाँ पर आप लोग सबने देखी होगी हमारी मस्ती। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है और वो जो दूसरी है वो मेरी भतीजी है अंशु। तो सारी हम लोग लगे हुए थे, ये मेरा भी देखो हम सबने सच में ये पड़ोस में ही एक भाभी लगती है, उनके साथ में भी होली खेल रहे थे तो उन्होंने घूंघट किया हुआ था। मैंने कि नहीं सब पकड़ के अच्छे से होली, क्योंकि एक दूसरे का रंग लगा हुआ था। और एक्चुअली मैं बताऊँ मुझे ना बहुत शौक है होली खेलने का, और मेरे साथ में जितनी मेरी फ्रेंड हैं उन सबको भी खूब होली खेले हम लोग। तो हेलो फ्रेंड, हमारी होली खत्म हो गई है, अभी शाम का टाइम 4 बज रहे हैं, नहाना वगैरह सब हो गया है सभी का। सबने धूमधाम से बहुत अच्छे से होली मनाई। आप सबने कैसे होली मनाई मुझे भी बताना। हम लोगों ने तो बहुत अच्छी मनाई, आपने देखा ही होगा वीडियो में दिखाया है मैंने खूब अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड सारी मेरी आई हुई थी यहाँ पर हम लोगों ने मिल करके। और अभी तो रंग बचा है यहाँ मेरा थोड़ा सा, और सॉरी एक दो दिन में छूटेगा, कल या परसों में गाजियाबाद पहुंच जाऊंगी एक दो दिन में, फिर आप लोगों को वहां की वीडियो दिखाऊंगी, वहीं की मिलूंगी। अब तक की मेरी कैसी वीडियो लगी है मुझे कमेंट करके बताते रहना। और आज मेरी कोई वीडियो नहीं गई है क्योंकि एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाई थी। मैंने जैसे बताया था मुझे कहीं जाना, मैं घर पर नहीं थी तो वहाँ जा करके थोड़ा ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल रहा था, उसकी वजह से मेरी कोई वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाई थी तो आप लोगों तक पहुँच नहीं रही है। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है ना, होली का टाइम है, सब जगह इधर उधर डीजे वगैरह बज रहे हैं, पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को ना, लेकिन उसकी वजह से मुझे डिस्टर्बिंग्स हो रही है बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, आप सबकी कैसी होली मनाही है, आप सबने किस तरीके से मनाही है, कैसे आपके यहाँ रीति रिवाज होते हैं, प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना, कमेंट करना, मुझे भी बताना। अब मेरा कैसा वीडियो लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। चेहरा 2-3 दिन बहुत ख़राब होने वाला है क्योंकि रंग बहुत अच्छे से पोता था मुँह पर, और आप लोगों ने देखा होगा गीता भी, क्योंकि उसी ने ही लगाया था सबसे पहले, शुरुआत उसी ने करी थी। कोई बात नहीं, साल भर का त्यौहार है, मुझे भी बहुत शौक है होली खेलने का, तो हमने तो अपनी अच्छे से धूमधाम से होली मनाई थी। आप लोगों की आई होप अच्छे से ही मनी होगी, लेकिन मुझे फिर भी शेयर करना कमेंट करके। तो मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर के बाद में। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ससुराल वालों का, एक्चुअली ससुराल में ना कोई है नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, दोनों की डेथ हो चुकी है, ननद भी नहीं है मेरे, और देवर वगैरह सब लोग तो गाजियाबाद ही रहते हैं, तो ससुराल जाकर के भी क्या करूंगी मैं, वहां कोई भी रहता नहीं है, इसी वजह से ससुराल नहीं जाती हूँ मैं कभी भी। आप लोगों ने आज तक वीडियो में कभी मेरा देखा भी नहीं होगा ससुराल, अगर कभी गई तो आप लोगों को वीडियो जरूर दिखाऊंगी। घर वगैरह सब कुछ है गांव में ससुराल में,
लेकिन नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे जा करके। मेरी सास थी, जब हम लोग जाते थे सब त्योहार वगैरह सब वहीं मनाते थे, फोन करके हमेशा बुलाती रहती थी, पूछती रहती थी कब आ रहे हो कब आ रहे हो, क्योंकि सभी के होता है ना कि जो बड़े होते हैं सब बुलाते हैं, भाई हमारे बच्चे वगैरह सब कब आएंगे। तो अब वहाँ है नहीं है, मेरी सासू माँ को तो 12-13 साल हो गए खत्म हुए, तो है ही नहीं दुनिया में, तो क्या करूँ जा करके। इसीलिए कहते ना, आप लोग समझ सकते हो कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, अच्छी बुरी जो भी बहू हूँ, क्या करूँ, नहीं है कोई, तो इसलिए नहीं जा पाई। और रही बात देवते वगैरह नहवाना, जो मेरी होली पूजन है सब मैंने इनके बाद में होली पूजना छोड़ दिया था, पहले मैं हमेशा पूजा करती थी, होली का व्रत वगैरह रखती थी, लेकिन इनके बाद में मैं नहीं रखती हूँ। होता है किसी का जब मन दुखी हो जाता है तो कुछ बातों से विश्वास उठ जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ था, मैंने ये सब करना छोड़ दिया। कभी आगे भविष्य में होगा, कभी मन होगा मेरा तो शायद कर पाऊँ दोबारा, लेकिन अभी नहीं है। तो इनके बाद मैंने होली वगैरह पूजना सब छोड़ दिया, इसीलिए मैंने होली पूजने का वीडियो आप लोगों को नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया तब से मैं होली नहीं रखती हूँ, नहीं तो मैं भी सबकी तरह होली वगैरह पूजती थी, व्रत भी रखती थी, लेकिन अभी मैं नहीं रखती हूँ। तो मेरा यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के साथ में करें, और मेरे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा है मेरा वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।